सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि प्रभु में रहते हुए हमारे जीवन से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं या ऐसे काम हमसे हो जाते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होता है, जिसके कारण हम अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि प्रभु अब हमें क्षमा नहीं करेगा, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमारा दयालु है। जब हम संसार की नज़र में कुछ गलत करते हैं तो लोग हमें एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि वह हमारे हजार गलतियाँ करने पर भी हमें क्षमा करता है। इसलिए जब हमसे कोई अनजाने में गलती हो जाती है तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए और वह हमारे गुनाहों को क्षमा कर देता है। हमें अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु अब क्षमा नहीं करेगा, लेकिन एक बात हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो गलती हमसे हुई है, यदि अनजाने में हुई है तब तो ठीक, लेकिन वो गलती हमें जानबूझकर नहीं करना है और वो गलती हमें बार बार दोहराना नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय अपने हृदय में रखना चाहिए। यदि अनजाने में कोई अपराध होता है तो हमें प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए क्योंकि वो क्षमा करता है, लेकिन हमें कोई भी गलती बार बार जानबूझकर नहीं दोहराना चाहिए और अपने मन में ये नहीं सोचना है कि आज मैं गलती करके फिर से प्रभु से क्षमा मांगूंगा फिर वो क्षमा करेगा, ऐसा सोचना गलत। इसलिए यदि आप भी ऐसी बातों से परेशान हैं या ऐसी बातों को लेकर के चिंता करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, तो आपको ऐसी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर दयालु है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। सभी को जय मसीह परमेश्वर के नाम की महिमा।